कटनी जिले के विजयनाकबगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत जारा रोड़ा से मामला निकलकर सामने आया है, जहां लगभग 12 वर्ष पूर्व बनी आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक एक के बिल्डिंग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संध्या यादव ने मीडिया कर्मी से जानकारी देते हुए कहा कि यह बिल्डिंग लगभग 12 वर्ष पूर्व बनी है, जिसका छत चारों तरफ से चार्ज होने के कारण लगातार 6 वर्ष से बरसात के समय बारिश का पानी छूता है, जिसके कारण बच्चों को कमरे में बैठाने पर काफी मुश्किलें होती है। यहां तक कि फर्श भी बैठ चुका है और तो और कमरे में लाइट भी नहीं लगी है। लाइट का कनेक्शन बाहर होने के बावजूद भी लाइट का बिल 1437 रुपए अगस्त में आया है। कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट। इसको तो 12 साल हो गए। 12 साल, हाँ। 12 साल में बिल्डिंग जो जर्जर हो गई। हाँ, वहाँ से ऊपर से पानी गिरने लगा। जी, कब से पानी आ रहा है? ये तो कम से कम 6 साल हो गए पानी। लगातार 6 साल से। और क्या समस्या यहाँ पे? और तो कोई समस्या। लाइट को लेके क्या बोल रही? लाइट मीटर बाहर लगा है, बिल आ रहा है, लाइट अंदर डोरी भी नहीं आई है। अच्छा, बिना लाइट के बिजली के बिल आ रहा है? बिना बिजली के। कितना बिल आया है? 1437 रुपया आया है अगस्त के महीने में। अच्छा, क्या आपने इस संबंध में कहीं जानकारी दी? अपने विभाग में थी सुपरवाइजर। जी, तो जानकारी दी थी, क्या कहा गया वहाँ से? वहाँ से कहा गया कि बिल की फोटो कापी जमा कर दीजिएगा, तो यही व्हाट्सएप करके हम जमा करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीमती संध्या यादव। क्या हैं आप यहाँ पे? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। कौन सा आंगनवाड़ी केंद्र है ये? आंगनवाड़ी केंद्र जारा रोड़ा। जारा रोड़ा पे।